ऐसे कैसे छोड़ दो, तो स्कूल जाने वाली बच्ची है क्या? तेरे सर पर भूत सवार है मामा, और जोर से पकड़ो, छोड़ दिया ना तो ये हमारी क्लास ले लेगी। दिख रहा है जिस आत्मा की इच्छा पूरी हो जाती है वो परमात्मा में मिल जाती है, जिसकी नहीं होती वो प्रेतात्मा बन जाती है। आत्मा आत्मा कुछ भी नहीं है, घर का काम ना करना पड़े इसलिए नाटक कर रही है। इधर आओ। क्या है? मेरा हाथ पकड़ो, अब देखो। जब जिंदा थी दर्द सहती रही, अब जो जिंदा है उसे क्यों दर्द दे रही हो? किसी दूसरी औरत का दर्द तुम्हारा दर्द नहीं है क्या? चली जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। लड़की से मंदिर की 9 बार परिक्रमा करवाओ, अब डरने की कोई बात नहीं। स्वामी, ऐसे काम के लिए शरभा को क्यों चुना यही सोच रही हो ना? ये बात तुम जब भी पूछती हो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, भगवान सबका है लेकिन शरभा के लिए खास है। आत्माओं, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? जब भी मैं आता हूँ या मेरे साथ कोई और आता है तब भी डिस्टर्ब होते हो। नहीं तो आपको डिस्टर्ब करने की हिम्मत किसमें है? आप मोक्ष मिलने तक गुरुदेव के संरक्षण में हैप्पीली मिलजुल के रहो, झगड़ना नहीं, बिना किसी को तकलीफ दिए एक फैमिली की तरह साथ में रहो। ओके, बाय आत्मा। इस बार ब्रह्म उत्सव ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी दिव्या गुच्चीपुड़ी सीखी है। सर, गुच्चीपुड़ी नहीं सर, कुच्चीपुड़ी, कुच्चीपुड़ी। अरे मुझे पता है, कल के उत्सव में कुच्चीपुड़ी डांस का मैंने फर्स्ट प्रोग्राम रखा है। आप में से किसी को कोई एतराज? हाँ, हमको है। कौन बोला ये? अरे क्या भाई, जैसे बादल के पीछे बिजली वैसे तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। अरे अब तो छोड़ दो। दूसरे गांव का मुखिया रंजनपुर की चमेली का मस्त डांस करवा रहा है। उसके बगल का मुखिया भीगी भीगी तितली प्यासी प्यासी जवानी ऐसे मजेदार नाटक करवा रहा है, पता है? गांव वाले क्या चाहते हैं इसकी तुमको परवाह नहीं है? ये सब क्लासिकल डांस हमको नहीं जमेगा, कोई मस्त डांस करवाओ। अरे ऐसे कपड़े उतार के डांस वांस जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ बिल्कुल होने नहीं दूंगा। ए पत्ते के टुकड़े, हमको मना करके तुम कुच्चीपुड़ी डांस कैसे करवाते हो हम देख लेंगे। मैं इस बूढ़े बाबा के बचे हुए एक लौते दांत की कसम खाकर कहता हूँ, ऑर्केस्ट्रा डांस हो के रहेगा। अरे वो देखा जाएगा, अभी यहाँ से खिसको। इस तरह की सोच ऐसे ही नहीं आती, लगता है कोई दुष्ट आत्मा गांव के पास आ गई है।